दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हो कि इंस्टाग्राम में रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट क्या है और इस ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद सबसे नीचे आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की ओर थ्री लाइन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है और इसके बाद सबसे नीचे गाइस आपको रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी की भी आईडी को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हो तो जब भी वो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करेगा तो वो कमेंट सिर्फ आपको और जो करेगा उन्हीं को ही शो होगी, बाकी किसी को भी उसकी जो है कमेंट शो नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन आते हो तो उनको जो है आपकी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों जब भी वो आपको जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज करेगा तो और अगर आप उनके मैसेज को पढ़ भी लेते हो फिर भी उसको जो है ये शो नहीं करेगा कि आपने जो है उनका मैसेज पढ़ा है। तो गाइस अगर आप भी इंस्टाग्राम पर किसी को भी रेस्ट्रिक्टेड करना चाहते हो तो रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना और इसके बाद सर्च पर क्लिक करने के बाद आप जिसकी आईडी को भी रेस्ट्रिक्टेड करना चाहते हो सिंपली आपको जो उसकी आईडी को सर्च करना है और आईडी सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी आईडी के आगे रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना और इस पर क्लिक करते ही उसका जो है अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम पर आप अपने किसी भी फ्रेंड को रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हो। और गाइस आपने जो है रेस्ट्रिक्टेड करने पर क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो तो आपने जो है देख लिया। तो गाइस कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम पर आप रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।